तो देखिए कूलर का जो वाटर सिस्टम है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब, हमने अपने चैनल पर सीलिंग फैन, टेबल फैन, फर्राटा फैन वगैरह वगैरह फैन हमने बना लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने वाटर कूलर नहीं बनाया है और काफी ज्यादा गर्मी हो रखी है। तो इस गर्मी से बचने के लिए मैंने बनाया एक छोटा सा वाटर कूलर जो कि बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा देता है और इसको कोई भी बना सकता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं वर्किंग टेबल। तो कूलर का बॉडी मैंने कंप्लीट बनाकर तैयार कर दिया हो और इसको मैंने पीवीसी पाइप के सीट का यूज़ करके बनाया हो और इसका मेजरमेंट मैंने क्या रखा हो ये आपको बता दूंगा, आप अपने मुताबिक इसका मेजरमेंट रख सकते हैं। तो ये जो इसकी कूलर की हाइट है वो है 17 सेंटीमीटर, फिर जो ये टैंक की चौड़ाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 11 सेंटीमीटर और इसी का जो ये हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर और इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये है 11x11 सेंटीमीटर का। फिर मैं कुछ इस तरीके से कूलिंग पैड बनाया हूँ, तो कूलिंग पैड के जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर और इसकी जो ये वाली चौड़ाई है वो है 9.5 सेंटीमीटर। फिर मैं ये पीछे में इसके भूसा लगाया हूँ ठंडा करने के लिए, ये एक पपीते के जो पेड़ आता है, पपीते का पेड़ मर जाने पर कुछ इसी तरीके का जो भूसा है उसमें से निकलता है। अब यहाँ पर मुझे ये वाली दो स्विच लगानी है, तो इनके बराबर का यहाँ पर हम ग्रुप कटिंग कर लेंगे। तो इनको मैं मेज़र करके यहाँ पर इतना लगभग, तो कुछ इस तरीके से इसकी ग्रुप कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप कटिंग मैंने कर लिया हो स्विच के लिए और दोनों स्विच हम कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट बैठे रहे हैं अभी। तो देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड रेड। तो स्विच लगा के हो जाने के बाद इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने ये बनाया हूँ मोटर माउंट जिसको मैंने पीवीसी शीट के पत्तियाँ काट के, 3 पीवीसी शीट की पत्तियाँ काटी और कुछ इस तरीके के पीवीसी पाइप का टुकड़ा मैंने काट करके छोटा सा यहाँ पर लगा लिया हो और इसमें मैं जो मोटर लगाने वाला हूँ वो एकदम यहाँ पर परफेक्ट फिट बैठता है, मैंने पहले से ही कर लिया हो उसको। और ये अभी कुछ इस तरीके से हम इसको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। मोटर माउंट लगा के हो जाने के बाद हमें ये कूलिंग पैड लेने हैं और इनको हमें साइड में ऐसे लगाना है। अब ये एकदम नीचे जा रहे हैं तो इनको हम ऊपर ऊपर में चिपका देंगे। पहले मैं तीनों आपको लगा के दिखा रहा हूँ, तो इतना ऊपर मैं इनको ऐसे चिपका दूंगा फेविक से ही। तो मैंने इस कूलर के जालियों को एकदम अच्छे तरीके से सेट कर दिया हो। फिर यहाँ पर मैं ये 370 SA नंबर का मोटर ले रहा हूँ जो कि आपको दिखने में एकदम सिंपल दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर में लगाएंगे और यही मोटर था जिसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग वगैरह से इसका जो सॉकेट है वो बनाया था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये आ चुकी है मोटर। फिर मैंने यहाँ पर एक सबमर्सिबल खुद से ही बनाया हो जो कि एक छोटा सा मिनी वाटर पंप है जिसको हम पानी में डिप करके इसका जरिए से पानी को ऊपर उछाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कूलर में अपने लगाने वाला हो इस वाले में। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर हम लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर मैं ये वाली पाइप यहाँ पर ऊपर वाले पाइप से कनेक्ट कर दूँगा।
को हम ऐसा मोड़ देंगे और इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे। तो अभी हम इन दोनों मोटर का कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले तो आपको दोनों मोटर के वायर बाहर निकाल लेने हैं। तो मैं अभी ये दो वायर यहाँ पे इस मोटर पे चिपकाने वाला हूँ, यानी सोल्डर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये वायर हमने बाहर निकाल लिया, ये वाली। अब कोई से भी स्विच पे, कोई से भी डीसी मोटर का एक वायर हमें जोड़ना है। तो ये हो गया एक वायर, और फिर दूसरा जो वाटर पंप का वायर है वो मैं इस वाले स्विच पे लगा रहा हूँ। तो अभी ये दोनों वायर बचे हुए हैं, ये हम ये अडेप्टर पे देंगे, और दोनों जो ये स्विच के वायर बचे हुए हैं ये हम जो अडेप्टर का दूसरा वायर है उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये मैं आउटपुट में, अभी मेरे पास डीसी सॉकेट नहीं है दूसरा, तो मैं ये वायर डाल रहा हूँ जिसको हम अडेप्टर से कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट के। तो अब ये दोनों मोटर के वायर आपस में मैं सोल्ड कर दूंगा ऐसे, यानी इन्हें ऐसे मिला लेना है। फिर यहाँ पर एक वायर हम जो सॉकेट है 12 वोल्ट का, उसका वायर एक लेंगे और इनको हम तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर जो ये बचा वाला पॉजिटिव आपको रेड वाला दिख रहा होगा, ये वाला जो कि सॉकेट का वायर है, तो ये जो स्विच के दोनों पॉइंट बचे हुए हैं तो इनके ऊपर मैं दोनों ये आपस में ऐसे एक वायर जोड़ दूंगा और फिर ये वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हो गया इन सबका कनेक्शन। इनके ऊपर हम टेपिंग कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ वगैरह इसमें ना लगे या फिर पानी वगैरह इन पे ना आ जाए। सो फाइनली हमारा इस कूलर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस शीट को हम इसके ऊपर से ऐसे कवर कर लेना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसकी प्रोपेलर हमें लगा लेनी होगी। तो ये मैं छोटी वाली प्रोपेलर जो मुझे मार्केट में 5 रुपये की मिली, ये प्रोपेलर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप इससे बड़ी भी प्रोपेलर ले सकते हैं, आप अपने मुताबिक इस कूलर को बना सकते हैं। और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी गार्ड भी बना लिया है जिससे कि प्रोपेलर पर हाथ नहीं लगेगा, और ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो कोई से भी स्टिक्स लेनी है। मेरे घर में जो झाड़ू था उसमें ये मैंने 2-3 निकाल लिया सीधे सीधे, और उसका यहाँ पर मैंने बना लिया। सबसे पहले तो मेज़र कर लेना है जितना आपको बनाना है सेफ्टी गार्ड, तो उतने छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए और चारों बाजू में चारों चिपका लिए। फिर उसके बाद ऊपर से मैंने छोटे छोटे पीस फिर से चिपका लिए। तो कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार है। तो धूप में सूखने देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा। A few minutes later. तो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखाई दे रहा है हमारा कूलर, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक है। हमने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी अच्छा बनाने की। तो चलिए इसे ऑन करते हैं अभी। तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ 12 वोल्ट का सप्लाई, मेरे पास सॉकेट नहीं था मैंने आपको बताया। तो ये हो गया इसका कनेक्शन, और ये सॉकेट मैं यहाँ पर लगा सकता था लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी। तो इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं। इसे यहाँ से ऑन करता हूँ, अडेप्टर ऑन हो चुका है, अब यहाँ से ऑन करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ैन चला के दिखाता हूँ। तो हवा देखने के लिए मैं इसको लिया हूँ। थोड़ा सा प्रोपेलर जाम है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। ओ भाई साहब, देखिए काफ़ी अच्छी जो है इसकी हवा है। आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, नहीं पता नहीं। देखो काफ़ी अच्छी हवा है। तो हवा तो काफ़ी अच्छी है। अभी इसका हम मेन चीज़ टेस्ट करते हैं। तो जो वाटर पंप है उसे मैं ऑन करके आपको एक बार सुना देता हूँ आवाज़। सुन लिया आपने आवाज़? तो अभी इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। तो ये 250 ml का बॉटल है, तो जितना पानी इसमें आएगा उतना पानी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको कुछ ऐसा कर लेना है साइड, और
पहली बार जाने में थोड़ा सा दिक्कत लेगा क्योंकि पहली बार है, तो ऐसे डाल सकते हैं आप, पीछे से भी डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी जगह खाली है। ओ भाई साहब, पूरा पानी इसमें चला गया, मतलब जो पूरा 250 ml का बॉटल था वो पूरा इसने इसमें चला गया, मतलब टैंक हमारा बड़ा हो चुका है अच्छा खासा। और ये पानी मैं पोंछ लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया हो और पानी भी हमने डाल दिया है। अभी वाटर पंप ऑन करते हैं। ओ भाई साहब, देखिए आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी मस्त जो है इसमें से पानी गिर रहा है, देखो तीनों साइड में से पानी गिर रहा है, देखिए दिख रहा होगा आपको अच्छे से। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कूलर का जो वाटर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तीनों जालियाँ जो है कुछ इसी तरीके से भीग रही है और अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से भीगी है, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने ओपन करके रखा था, तो यहाँ पर देखो अंदर, तो देख लिया काफ़ी मस्त काम कर रहा है, पूरी जालियाँ जो है गीली हो चुकी है। तो अभी आपको मैं वाटर पंप और फ़ैन दोनों एक साथ चला करके दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं वाटर पंप ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाली गीली हो रही है, तो अच्छे तरीके से जैसे दिखाया था। और यहाँ पर देखिए ये प्रॉपेलर थोड़ा सा घुमाना पड़ता है क्योंकि जाम हो चुका है, थोड़ा मोटर मेरा पुराना है। तो बाकी यहाँ पर देखिए, ओ भाई साहब, काफ़ी मस्त जो है इसकी हवा है ठंडी ठंडी। और दोनों मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है, कोई भी लोड वगैरह नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज़ किया हो। देखिए काफ़ी मस्त काम कर रहा है, आपका हक बनता है हवा खाने का, तो आप खाइए, लीजिए ये लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कूलर हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर ये आपको कूलर भी अच्छा लगा तो कूलर के लिए भी लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।